आइए. सो हम लोग पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट. सो टुडे वी विल डू वन मोर प्रॉब्लम, राइट. बट उसमें हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे. आप लोगों को पता है ट्रांजैक्शन शुरू में कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, हो गया. ट्रांजैक्शन शुरू में कहां रिकॉर्ड होता है, जर्नल में, राइट. जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा हम लोग उसको इनिशियली जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे, राइट. हेलो, ठीक है. जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएगा हम लोग उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे. अभी क्या है, सारा ट्रांजैक्शन अगर हम लोग एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, राइट. सारा ट्रांजैक्शन अगर हम लोग एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो होगा क्या, जर्नल बुक हैवी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा. सो इट इज प्रेफरेबल दैट जर्नल को हम लोग सब डिवाइड करें. आप लोग पढ़े होंगे सब डिविजन ऑफ अकाउंट्स, क्या सब डिविजन ऑफ जर्नल, सॉरी, क्या सब डिविजन ऑफ जर्नल, जहां पे जर्नल का 8 सब डिविजन बनाया गया. कितना सब डिविजन बनाया गया, 8, जिसमें एक है आपका कैश बुक, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन आएगा. दूसरा आपका परचेज डे बुक, जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा. फिर है हमारा सेल्स डे बुक, जिसमें हमारा क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगा. फिर है हमारा परचेज रिटर्न बुक, जिस जो हमने उधार में खरीदा उसका अगर कोई रिटर्न हो रहा है तो, राइट. फिर हमारा सेल रिटर्न बुक है ना. देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल बुक है ना, याद आ रहा है. देन वी हैव बिल्स पेएबल बुक है ना, अगर कोई बिल एक्सेप्ट किया या प्रॉमिसरी नोट इशू किया है तो वो यहां पे आएगा. और लास्ट में जर्नल प्रॉपर, मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन इन 7 डे बुक्स में नहीं आ रहा है, इसको डे बुक्स बोलते हैं, सब डिविजन ऑफ जर्नल को अपने डे बुक्स बोलते हैं. अगर कोई ट्रांजैक्शन इन 7 में नहीं आ रहा है तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा. तो कैश बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा, सब कैश रिलेटेड, कैश बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे. परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. सेल्स सेल डे बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. परचेज रिटर्न बुक में रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर विच वेयर परचेज्ड ऑन क्रेडिट. सेल रिटर्न बुक में रिटर्न ऑफ गुड्स बाई कस्टमर विच वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट. बिल्स रिसीवेबल बुक में अगर हमने कोई बिल ड्रॉ किया है, सामने वाला एक्सेप्ट करके दिया होगा, या हमको कोई अपना प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है तो वो बिल्स रिसीवेबल में आएगा. बिल्स पेबल मतलब हमने कोई बिल एक्सेप्ट किया या हमने प्रोमिसरी नोट इशू किया है, तो इन दैट केस इट इज आवर लाइबिलिटी. एंड एनी ट्रांजेक्शन विच विल नॉट कम इन फर्स्ट 7 हेड्स विल कम इन जर्नल प्रॉपर, राइट. सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अभी तक कितना कैसा सम किया, हम लोग पहले सारा ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते थे. बट अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल में करेंगे बट सब डिविजन्स ऑफ जर्नल को ध्यान में रखेंगे. मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड होगा वो चला जाएगा कैश बुक में, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रिलेटेड होगा वो चला जाएगा परचेस डे बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल्स डे बुक में, राइट. अच्छा, कैश परचेजेस कैश बुक, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हो गया, कैश सेल कैश बुक, समझ में आ रहा है. हाँ, कोई एक्सपेंसेस पेड इन कैश कैश बुक, ठीक है ना. अच्छा, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट परचेज किया है परचेज बुक में, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आता है, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां आएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट. क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट यहां पर आएगा, हाँ या ना. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, तो ये सब चीज जनरल प्रॉपर में आएगा, जो इन 7 में नहीं आ सकता. कैश बुक में आ रहा है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, इसमें आ रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, राइट. इसमें आएगा क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, राइट. इसमें
return of goods to supplier which was purchased on credit. Return of goods by customer which was sold on credit. Bills receivable book. Bills receivable book मतलब क्या होता है बताओ. Bills receivable book मतलब bills drawn or promissory note received. Right? एक bill of exchange होता है, एक promissory note होता है. Bills payable में क्या होगा? Bills accepted or promissory note issued, right? So ये nature है, उस हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कौन से day book में कौन सा transaction आता है. Right? ये आपको कोई भी book में, कोई भी standard book में आप लोग को मिल जाएगा. तो अभी हम लोग करेंगे example number 2, जो हमारे book में है example number 2. उस example number 2 में आप लोग देखिए different types of transaction है, हम लोग को appropriate day book select करके उन transactions को record करना है. आइए तो इसको यही रहने देते हैं, अभी एक बार अपने पढ़ते हैं. सबसे पहला लिखा है started business with cash rupees 2 lakh. बताओ कहां पे आएगा? कैश बुक में आएगा, कैश ट्रांजैक्शन है. वेरी गुड. उसके बाद purchase furniture rupees 50,000 in cash. कहां आएगा? 50,000 in cash में खरीदा. यहां पे credit purchase of fixed asset है. अगर fixed asset cash में खरीदेंगे तो cash book में आ जाएगा ना वो तो. अच्छा, उसका depreciation कहां आएगा? General property. वो भी end of the year होगा, अभी नहीं होगा. Right? Purchase goods 2,000 units at the rate 25 each on credit from X. कहां आएगा? Purchase day book में आएगा. और trade discount 20% दिया हुआ है. ठीक है. Sold goods 1,200 units at the rate 40 each on credit to A. Sales day book. Very good. Purchase goods again 1,000 unit at the rate 24 each on credit from P. Purchase day book. Very good. Paid to creditor X in full settlement after 5% cash discount. Cash book mein aayega kyunki cash transaction ho gaya. Sold 1,000 unit at the rate 45 each in cash. Cash sales ho gaya, cash book mein aayega. Very good. Right? Received rupees 10,000 in cash from A. Cash book में आएगा, cash transaction है. Paid rent for 10 months at the rate 2,000 per month. समझ में आ रहा है मेरा? हाँ. तो ये एक साल का कोई एक accounting period का मतलब 12 महीना. Let us assume, right? During the year ये सारा transactions हुआ, right? तो अपने को question पढ़ के क्या-क्या समझ में आ रहा है? अपने को बनाना है cash book, अपने को बनाना है purchase day book, अपने को बनाना है sale day book. Question में कोई return है नहीं. Bills receivable, bills payable है नहीं. अच्छा, depreciation जो है आपने उसको adjustment में भी treat कर सकते हैं क्योंकि वो end of the year है ना. कब देना है depreciation? End of the year, right? तो अपने उसको adjustment में treat करेंगे, इसलिए अपने general proper भी नहीं बना रहे हैं. तो general proper में खाली वो depreciation का entry दिखाना पड़ता है. तो एक काम करते हैं, इस समय अपने बना लेते हैं general proper, बना लेते हैं जिससे कि एक entry उसमें भी आ जाए, right? So अपने depreciation का entry दे देंगे end of the year. तो जब डेप्रिसिएशन का एंट्री एंड ऑफ द ईयर दे देंगे तो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में होगा कि ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा? डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग कर चुके हैं एंड ऑफ द ईयर, ट्रायल बैलेंस में होगा क्योंकि एडजस्टमेंट्स मतलब क्या? विचार नॉट येट रिकॉर्डेड. क्यों? क्योंकि कब 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 रिकॉर्ड कब पता चलता है? एंड ऑफ द ईयर. समझ में आ रहा है मेरा बात? इज दैट फाइन? हाँ, क्योंकि अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता है बोल के अपने एंड ऑफ द ईयर ये वाला एंट्री पास कर सकते हैं. राइट? इज दैट फाइन? समझ में आ रहा मेरा बात? तो जनरल प्रॉपर भी अपने को बनाना पड़ेगा. तो अपने क्या बनाएंगे? कैश बुक. अच्छा, कैश बुक में सिंगल कॉलम बनेगा कि डबल कॉलम बनेगा? कैश तो है ही, बैंक नहीं है, लेकिन देखो क्रेडिटर को जो पेमेंट कर रहा है तब उस समय कैश डिस्काउंट हो रहा है ना. ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता है. ठीक है, वो तो बार्गेनिंग प्रोसेस का डिस्काउंट है. तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता, परचेज एंड सेल को नेट पे दिखाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट तो दिखाएंगे ना. तो हमारा दो कॉलम बनेगा, कैश एंड डिस्काउंट. तो डबल कॉलम कैश बुक बनेगा, परचेज डे बुक बनेगा, सेल डे बुक बनेगा, और एंड ऑफ द ईयर एक खाली सिंगल डेप्रिसिएशन का एंट्री के लिए अपने को जनरल प्रॉपर भी बनाना है.
उसके बाद सारा लेजर बना लेंगे, लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, फिर उसके बाद इवेंट्स खोजेंगे, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो एक तो साफ दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक होगा, पहले 2000 खरीदा, फिर 1000 खरीदा, 1200 बेचा, फिर कितना बेचा, ऐसे करके कुछ है। तो एक तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बरोबर है ना, है ना, क्या आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और दूसरा हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, हाँ या ना, क्योंकि देखो भाड़ा हमने 10 महीने का दिया है, यस और नो, तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग आएगा। थर्ड, डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर चुके हैं, नहीं तो वो भी एडजस्टमेंट्स में आता, यस और नो। तो दो ही रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, एक होगा क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, हम लोगों को प्रयास करना है पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझने का। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस, आगे जाके आप लोगों को कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, सारा चैप्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलो, कंसाइनमेंट बोलो, जो हमने आपको एग्जाम्पल वन कराया था सेकेंड क्लास में, दैट वर्क्ड एज कंसाइनमेंट, बिकॉज कंसाइनमेंट में मेन चीज होता है स्टॉक का कैलकुलेशन। वो जब स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसमें प्रोपोर्शनल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना पड़ता है, तो वो चीज हमने आपको उसका कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले ही समझा दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, चलिए, तो हम लोग को ये चार चीज बनाना अपने बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा करके बनाना है, राइट, सो दैट कि आपका एक पेज में आ जाए, क्लियर। तो मैं काम करता हूं, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम नहीं पता, मैंने बनाना है कैश बुक।